हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रहलाद परिहार एंड यू आर वाचिंग काव्य गाथा। दोस्तों, काव्य गाथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, म्यूज़िक और लोगों की कहानियों से संबंधित। आज की कहानी है क्षितिज के उस पार। ये कहानी एक अमेरिकन युवक एरिक एडम, जो कि क्रिश्चियन युवक है, और एक बोस्नियाई मुस्लिम युवती मीर सादा की एक ऐसी अकल्पनीय कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी है, जिसको सुनकर आप जान जाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी एच ई पाशा ने लिखी थी, जो 2003 में महानगर का नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। ये कहानी मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसकी सारी घटनाएं 1993 के आसपास घटित हुई थी, और इस कहानी का पूरा कैनवास जो है वो अमेरिका, यूगोस्लाविया, सर्बिया और बोस्निया है। एरिक एडम, जो कि एक अमेरिकी युवक है और किसी न्यूज़पेपर में काम करता है, शायद वो अमेरिका के शिकागो शहर में रहता है, एक दिन वह खाना बनाते हुए टीवी देख रहा था, जिसमें बोस्निया ओलंपिक का समाचार चल रहा था। तभी उसमें न्यूज आती है कि एक लड़की जो यूगोस्लाविया के मूल की बोस्नियन लड़की है, उसने ओलंपिक दौड़ में हिस्सा लिया और वह जीत नहीं पाई, परंतु पूरे स्टेडियम में लोगों ने खड़े होकर उसके लिए देर तक तालियां बजाई। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि वो एक ऐसे जगह से आती थी, बोस्निया से, जहां पर गृह युद्ध चल रहा था, और उसको वहां दौड़ने की प्रैक्टिस की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन गृह युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के बीच भी उसने यूगोस्लाविया से अलग हुए बोस्निया देश की टीम का वो हिस्सा बनी और ओलंपिक पहुंची। इसी बात को, इस उसके इस हौसले को सलाम करने के लिए लोग वहां पर खड़े होकर ताली बजा रहे थे, और स्क्रीन पर मीर सादा का चेहरा दिखाया जा रहा था। ये सब देखकर एरिक भाव विभोर हो गया। उसने बार्सिलोना ओलंपिक का नंबर तलाशा, और बहुत कोशिशों के बाद वह किसी तरह उस लड़की, जिसका नाम मीर सादा था, उससे बात करने में सफल हो पाया। परंतु मीर सादा अंग्रेजी नहीं जानती थी, तो उसके साथ वाली किसी लड़की ने उसकी मदद की, और एरिक ने उससे कहा कि वह उसकी और दूसरे बोस्नियाई लोगों की मदद करना चाहता है। बस छोटी सी बातचीत के बाद फ़ोन कट गया। इसमें मीर सादा यह बता पाई कि ओलंपिक के बाद उनको बोस्निया के पड़ोसी देश स्लोवेनिया ले जाया जाएगा, और हालात जब तक ठीक नहीं होते तब तक वहीं पर शरणार्थी के रूप में रखा जाएगा। इधर एरिक ने यूगोस्लाविया में चल रहे गृह युद्ध के बारे में जानकारी जुटाना आरंभ किया। उसे पता चला कि वहां सर्बों और बोस्नियाई मुस्लिम के लोगों के बीच भयंकर गृह युद्ध चल रहा है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं, युवतियां विधवा हो रही हैं, और सर्बियन आर्मी मुस्लिम बोस्नियन युवतियों को सेक्स स्लेव के रूप में रख रही हैं, और उनका जीवन नरक से भी बदतर होता जा रहा है।
जब एरिक ने मीर के बारे में जाना तो उसका दिल सभी बोस्नियन लोगों के प्रति दया से भर गया, प्रेम से भर गया। इधर एरिक की कहानी यह थी कि वह जर्मनी में पैदा हुआ था, उसके माता पिता की उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब वह 1 साल का था तो किसी जर्मनी दंपति ने ही उसे गोद ले लिया था और अपने साथ अमेरिका ले गए थे। एरिक की एक प्रेमिका थी जिसके दिल में छेद था और कुछ ही दिनों पहले उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण एरिक बहुत दुखी रहता था। गृह युद्ध में मीर सादा का गांव घर सब उजड़ गया था। उन लोगों को कैद करके एक कैंप में ले जाया गया। वहां से एक दिन एक लड़का जो किसी समय उसी के मोहल्ले में रहा करता था, लेकिन आज वो दुश्मनों की कैंप में था, उसे बहाने से उसके टूटे हुए घर पर ले गया और बोला कि यदि तुम्हारा कोई सामान रह गया हो तो ले लो। परंतु जब वह उसके साथ अपने टूटे हुए घर में पहुंची, तो देखा कि वहां कुछ भी साबित न था। उस लड़के की नज़र में हवस भरी थी। मीर सादा ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वह सहम गया। उसने जल्दी से कहा, चलो वापस, ज़्यादा समय नहीं है। और मीर सादा ने मलबे में पड़ी अपने भाई की टूटी हुई घड़ी उठा ली और उस लड़के के साथ वापस कैंप आ गई। आज किसी तरह उसकी इज्जत बच पाई थी, लेकिन वहाँ जिस तरह सर्बियन और बोस्नियन मूल के लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी, उसमें मीर सादा के माता पिता अपनी जवान बेटी को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। इसी बीच बोस्नियन आर्मी ने उस कैंप पर धावा बोल दिया और उन्हें छुड़ाकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले गए। यूगोस्लाविया अब 2 भागों में बट गया था, बल्कि 6 भागों में बट गया था। तो यहाँ मेन जो है सर्बिया और बोस्नियन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोस्निया में मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा थी। इसी बीच बार्सिलोना ओलंपिक की घोषणा हो गई। बोस्निया ने अपने खिलाड़ियों की एक टीम बार्सिलोना भेजने का फैसला किया। जिस जगह मीर सादा को ठहराया गया वह जगह भी बहुत सुरक्षित नहीं थी। मीर सादा को उस टीम में खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। वहाँ पर भी आए दिन गोलियों और बमों की आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ें आती रहती थी। परंतु मीर सादा ने दौड़ने का फैसला किया। मीर सादा के लिए दौड़ना सांस लेने जैसा था। वह खस्ता हाल हो चुकी सड़कों पर दौड़ती, लोग उसे पागल समझते। जब वह दौड़ती तो कई बार गोलियां उसके आसपास से होकर गुजर जाती। गृह युद्ध के बीच खिलाड़ियों को भरपेट भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता था। कई बार मीर सादा पेट पर गीली पट्टी बांधकर दौड़ी। दौड़ना उसे बहुत प्रिय था, दौड़ना उसके लिए जीवन जीने जैसा था, उसमें गजब का हौसला था। आखिरकार वह दिन भी आया जब बोस्नियन टीम, जिसमें मीर सादा भी शामिल थी, अनेक अंतर्राष्ट्रीय दखल के बाद एक सुरक्षित उड़ान के द्वारा बार्सिलोना ओलंपिक पहुंच पाई। बोस्निया देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर पहली बार मीर सादा ने वो खाना खाया जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। तब तक पूरी दुनिया मीर सादा के संघर्ष के बारे में जान चुकी थी, इसलिए पूरी तरह तैयार और फिट खिलाड़ियों की से रेस में
मीर सादा के हार जाने के बाद भी लोगों ने उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाई, ना कि जीतने वालों के लिए। और पिछली थोड़े ही समय पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि टेलीफोन पर मीर सादा ने एरिक एडम से बात की थी। उसी बातचीत में एरिक ने जो है उसे अपना नंबर और पता भी दे दिया था। मीर सादा से बात करने के 6 महीने बाद, बार्सिलोना ओलंपिक ख़त्म होने के 6 महीने बाद, मीर सादा एरिक एडम को मीर सादा की दूसरी चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी बोस्निया से नहीं बल्कि पूर्व यूगोस्लाविया के एक अन्य राज्य स्लोवेनिया से आई थी, जहां वह बार्सिलोना से लौटने के बाद एक शरणार्थी के रूप में एक होटल में रह रही थी। महज एरिक की चिट्ठियों को पढ़ने और उनका जवाब देने के लिए मीर सादा ने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया। वह स्लोवेनिया में बड़ा एकाकी जीवन जी रही थी। शरणार्थी होने के नाते उसे काम करने और कॉलेज में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। घूमने फिरने के लिए भी उसे सीमित स्वतंत्रता दी गई थी। नितांत एकाकीपन के उन दिनों में एरिक की चिट्ठियों ने उसे भावनात्मक सहारा दिया। सारायेवो, जहां उसके माता पिता मीर सादा के अपने माता पिता रहते थे, उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मीर सादा को अपने प्रियजनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। सर्बों ने सारी दुनिया से सारायेवो का संपर्क तोड़ दिया था। मीर सादा अखबारों में वहां की खबरें पढ़ती और सोचती कि क्या उसके घर वाले अब तक जिंदा होंगे। मीर सादा से एरिक का भावनात्मक संबंध जुड़ा तो बोस्निया के सारे दुखी प्राणी उसे अपने लगने लगे। सारायेवो की सड़कों पर मासूम बच्चों की लाशें देखकर उसका दिल तड़प उठता। समाचार माध्यमों से उसने जाना कि बोस्निया में लाखों बच्चे नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। एरिक ने तय किया कि उसे उन बदनसीबों के लिए कुछ करना चाहिए। एरिक एडम ने अमेरिका में ऐसे लोगों से बातचीत करनी शुरू की जो बोस्निया के अनाथ बच्चों को गोद ले सकते थे। उसने उन सब से कहा कि बच्चों को बोस्निया से अमेरिका लाने का काम उसका होगा। 3 जनवरी 1993 को, यानी मीर सादा के बारे में जानने के 6 महीने बाद, वह बोस्निया के पड़ोसी राज्य क्रोशिया के लिए रवाना हुआ, जहां बहुत सारे बोस्नियन बच्चों को शरणार्थी शिविरों में रखा गया था। उसने यह 11,000 किलोमीटर का लंबा सफ़र केवल अपनी आस्था के आधार पर तय किया था। इसके पीछे केवल प्रेरणा थी तो उस परिचय की जो उसके और मीर सादा के बीच स्थापित हुआ था। क्रोशिया के अनेक शिविरों में बच्चों से मिलने के बाद एरिक स्लोवेनिया की ओर रवाना हुआ। कार द्वारा इस सफ़र में वह कई बार प्राणघातक हमलों से बचा। शाम को 9 बजे ठिठुरती हुई सर्दी में जब वह मीर सादा के होटल पहुंचा, तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। उसे मीर सादा होटल के दरवाजे पर ही मिली उसका इंतज़ार करते हुए। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में वह बहुत देर से वहां खड़ी थी। अगले दिन दोपहर को एरिक को अमेरिका लौटना था। वह अपने साथ एक दुभाषिया लाया था। मीर सादा के कमरे में वे रात भर आमने सामने कुर्सी पर बैठे रहे और बातें करते रहे। मज़े की बात यह थी कि उन्हें एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए दुभाषिये की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिल से पैदा होने वाले जज्बों ने इस तरह उनके बीच
एक पुल की रचना कर दी थी कि एक दूसरे की भाषा न जानते हुए भी वे एक दूसरे से अपनी बात कहने में सफल रहे। एरिक ने उसे उन बच्चों के बारे में बताया जिन्हें उसने अमेरिका बुलाने का फैसला किया था, उन परिवारों के बारे में बताया जो उन्हें अपने घर में रखना चाहते थे। एरिक मीर सादा के बारे में जो कुछ नहीं जानता था वह सब मीर सादा ने उसे बताया और फिर एरिक ने उसे अपनी कहानी सुनाई और अपने माता पिता और अपनी प्रेमिका के बारे में भी बताया। एरिक के विमान को छूटने में जब एक घंटे से भी कम समय रह गया तो उस समय तक दोनों बातें करते रहे और एरिक का दुभाषिया कमरे में एक तरफ पड़ा गहरी नींद लेता रहा। विदा लेते हुए एरिक ने मीर सादा के माथे को चूमा और कहा, क्या तुम अमेरिका आना पसंद करोगी? मीर सादा रोने लगी। उसने कहा कि वह जब तक उसे अपने माता पिता का पता नहीं चल जाता वह कहीं नहीं जा सकती। एरिक ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरा यह प्रस्ताव हमेशा कायम रहेगा। जब काफ़ी समय बीत गया और मीर सादा को अपने घर वालों का पता नहीं लगा तो उसने एरिक को फ़ोन करके कहा कि क्या वह उसे अमेरिका बुला सकता है। तो एरिक एकदम खुश हो गया। उसने शहर के मेयर से मिलकर मीर सादा के सारे पेपर्स तैयार करवाए, उसका वीज़ा बनवाया और उसे अमेरिका बुलाने की व्यवस्था की। आखिर कई मुश्किलों के बाद मीर सादा हवाई जहाज़ से शिकागो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई, लेकिन उसने एरिक का टेलीफोन नंबर अपने स्लोवेनिया के होटल वालों को दे दिया कि जैसे ही उसके घर वालों का पता चले वे उसे खबर दें। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिर मीर सादा शिकागो पहुंच गई। एरिक उसे एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करता हुआ मिला। यहीं पर मीर सादा ने एरिक के घर पर फ्रिज में भरे हुए फलों को देखा तो वह उदास हो गई। उसे अपने देश बोस्निया की याद आ गई। उसे याद आया कि वहाँ गृह युद्ध में किस तरह लोगों का जीवन संकट में है, बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। एरिक उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रहा था। एक दिन वह मीर सादा को शहर के मेयर से भी मिलवाने ले गया जिनकी मदद से वह उसे अमेरिका ला पाया था। अब मीर सादा पास के ही स्टेडियम में दौड़ने का अभ्यास करने जाने लगी। इसी बीच मीर सादा को बोस्निया से फ़ोन आया जिस पर उसकी माँ ने उससे बात की और बताया कि उसके पिता और छोटी बहन साथ हैं परंतु भाई का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मीर सादा फूट फूट कर रोई। उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। भाई की उसे बहुत याद आई। अब एरिक और मीर सादा दोनों मिलकर समाज सेवा का काम करने लगे। इस समय ख़ास तौर पर वे बोस्निया के गृह युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को अमेरिका बुलाने और उनकी देखभाल करने पर ध्यान दे रहे थे। कई महीने बीत गए। बसंत की ऐसी ही एक दोपहर में एक बगीचे में टहलते हुए पेड़ों से झड़े पत्तों पर चलते हुए एरिक ने मीर सादा से सवाल किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीर सादा ने उसकी आंखों में देखा और एरिक ने जाना जैसे वह कब से इस सवाल का इंतज़ार कर रही थी। एरिक ने भी मीर सादा की आंखों में देखा तो मीर सादा ने नज़रें झुकाते हुए गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया और आखिर कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी हो गई, जिसका वीडियो बनाकर एरिक ने मीर सादा के परिवार को भिजवा दिया।
उससे पहले मीर सादा ने फ़ोन करके अपने माता पिता से इस शादी की अनुमति ले ली थी। इस तरह हजारों मील दूर के रहने वाले दो अलग अलग देश और दो अलग अलग धर्म के एरिक और मीर सादा का प्यार परवान चढ़ पाया। वे एक दूसरे सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।